बरेसगीर और खसूसन पाकिस्तान में इस्लाम औलिया इकराम की तबलीग की वजह से फैला। सन 1720 में मुर्शद सैयद होस बादशाह हमदानी की वफात के बाद सैयद शाह फतेह नूर हमदानी अलमारू शाह तेग बहादुर 18 साल की उम्र में गद्दी नशीन हुए। ये सिखों की हुकूमत का दौर था। तलागंग का इलाका पिंड दादन खान के सिख हाकिम सरदार चित्र सिंह की अमलदारी में था। सिख हकूमत के मजालिम हद से बढ़ने पर साहिब जी सुल्तान सन 1826 में सैयद अहमद बरेलवी ने सिखों के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया और मुसलमानों को जमा करके अकोड़ा पर कब्जा कर लिया। अकोड़ा फतह करने के बाद मुसलमानों में तबलीग और फंड्स की फरामी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मुबल्लिग भेजे गए। इन्हीं मुबल्लिगीन में से सैयद मुराद अली वास्ती तबलीग के लिए तलागंग आ गए। तलागंग में तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान सैयद मुराद अली वास्ती शाह तेग बहादुर के मेहमान हुए। कुछ ही अर्जा गुजरा था कि किसी ने सरदार चित्र सिंह को इत्तला दी कि सैयद अहमद बरेलवी का एक नुमाइंदा आवानकारी में तबलीग के लिए आया हुआ और शाह तेग बहादुर के यहाँ क्याम पजीर। ये इत्तला मिलते ही चित्र सिंह फौज का दस्ता लेकर जंग की नीयत से आ इधर सैयद शाह मुराद को इत्तला मिली और वो जंग के लिए आमादा हुए। बजाय इसके कि वो शाह तेग बहादुर को इत्तला करते अपने दस्ते के हमरा जंग की गरज से एक मैदान का इंतखाब हुआ और वो नाला दरगढ़ अबूर कर गए। उनके ताकुब में सिख भी नाले से पार उतर गए। दूसरी तरफ सैयद शाह तेग बहादुर जहीफी की वजह से इस नाले को अबूर ना कर पाए। नाले के किनारे पे पहुंच के लोगों को मदद के लिए पुकारा लेकिन कोई भी आगे ना बढ़ा। लिहाजा इस बहते पानी में दाखिल हो गए। क्योंकि पानी बहुत तेज और ज्यादा था इसलिए कदम उखड़ गए। इसी असना में जूते पांव से निकल गए। जूती बहती बह गई, भीड़ प्यासी रह गई। इधर सैयद की जबान से फिक्र अदा हुआ
और उधर पानी की रवानी थम गई। पानी खुश्क होने के बाद शाह तेग बहादुर उस तरफ दौड़ पड़े जिधर सिख शाह मुराद के ताकुब में गए। लेकिन अभी थोड़ी दूरी गए थे कि उनको इत्तला मिली कि सैयद शाह मुराद को सिखों ने शहीद कर दिया। आपके लबों को हरकत हुई और एक आ के साथ आ मुराद कहा और फिर फूट फूट कर रो पड़े। शाह तेग बहादुर लोगों को लेके उस मकाम पर पहुंचे जहां शाह मुराद को शहीद किया गया। उसी जगह पे शाह मुराद की नमाज जनाजा अदा की गई। और नमाज जनाजा के बाद उसी जगह पे उनको दफन कर सारी रात और कब्र के गिर्द एक दीवार तामीर कर। ये जगह तलागंग के मोजा ममदोट के करीब है। यहाँ पे आज सैयद मुराद अली वास्ती अलमारूफ शाह मुराद छोटे शहीद का मज़ार मौजूद है। लोग जोग दर जोग यहाँ आकर उनको सलामे अकीदत पेश करते हैं। और अपनी मुरादों के हसूल के लिए उनके दरबार पर आकर दुआ मांगते हैं। दरबार के साथ ही एक जगह बनाई गई जायरीन के क्याम के लिए। यहाँ पे लोग ग्रुप्स की शक्ल में आकर खाना बनाते हैं, गरीबों में तकसीम करते हैं। जो जानत सब संसार अपनी करनी पर तरू तो कैसे उतरू पार निजाम बोले अपने। और उसी खाने के दौरान दुआया कलमात से अपनी मुरादों का हसूल चाहते हैं। सैयद शाह मुराद अली वास्ती के मज़ार के करीब एक मस्जिद की तामीर जारी है। इस मस्जिद की तामीर के लिए इलाके के लोगों ने अपनी जेब से फंड इकट्ठा किया है। मस्जिद की तामीर का मकसद ये है कि जो जायरीन सैयद मुराद अली शाह वास्ती के ज़ियारत के लिए आते हैं वो यहाँ पे अपनी पांच वक्त की नमाज अदा कर सकें। तलागंग शहर से मज़ार का रास्ता कच्चा है। कई दफ़ा हुकामे बाला की तवज्जो इस तरफ कराई गई कि ज़ायरीन को तकलीफ़ से बचाने के लिए
यहाँ पे एक पक्की सड़क की तामीर होनी चाहिए। उम्मीद है कि एक वक्त हुकूमत इस बात पे खसूसन तवज्जो देती हुई ज़ाहिरीन की सहूलत के लिए यहाँ पे पक्की सड़क की तामीर करे। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में JM स्टूडियो की तरफ से पेश किया गया। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी किस्म के मजीद प्रोग्राम देखने के लिए JM स्टूडियो के पेज और YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस पेज से, इस YouTube चैनल से, इस स्टूडियो से बनने वाली वीडियो पूरे मुल्क, बल्कि मुल्क से बाहर पूरी दुनिया तक पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।